DJI Osmo Action कैसा कैमरा है, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी वीडियो क्वालिटी है, किस पर्पज़ से लेना चाहिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए सही रहेगा या नहीं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको GoPro के लिए ही जाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। सो विदाउट डूइंग फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। So hey guys, welcome back to the channel. My name is Ankur and today I am reviewing the DJI Osmo Action camera. So guys, first of all, this is not a review or technical channel. This is a vlogging channel. I am a vlogger and I purchased this camera for moto vlogging purpose. And अगर आप लोग भी YouTube के लिए या moto vlogging के लिए एक action camera purchase करने की सोच रहे हो तो आपके लिए ये video काफी helpful हो सकता है, तो video end तक देखना। So guys, बात कर लेते हैं DJI Osmo Action के बारे में। तो जो camera है इसकी build quality एकदम कड़क, वीडियो क्वालिटी कड़क, स्टेबलाइजेशन कड़क और बैटरी बैकअप भी कड़क। और आप ओवरऑल अगर एक एक्शन कैमरा खरीदना चाहते हो बजट में तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। बट अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए एक एक्शन कैमरा परचेस करने की सोच रहे हो तो आपको दो बार सोचना पड़ेगा DJI Osmo लेने से पहले। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। सो गाइज, आप इस कैमरे को परचेस तो कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी है, सब कुछ बढ़िया है। बट एक प्रॉब्लम है इस कैमरे में, ये वाइड नहीं है। तो मोटो ब्लॉगिंग में क्या होता है, अगर आपके पास एक नॉर्मल बाइक है, नॉर्मल बाइक इन अ सेंस अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड या फिर पल्सर है, उसका पोस्चर जो होता है वो स्ट्रेट होता है। मगर आपके पास अगर एक एग्रेसिव पोस्चर वाली बाइक है, जैसे कि मेरे पास R15 है, और अगर आपके पास R15 KTM या फिर बहुत एग्रेसिव पोस्चर वाली जो बाइक है वो है आपके पास, तो DJI Osmo Action आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। बिकॉज इसका जो एंगल है वो बहुत प्रॉब्लम देता है शूट के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए आपका एंगल कभी सही आ ही नहीं पाता। तो अगर आप लोग DJI Osmo Action परचेस करने की सोच रहे हो फॉर मोटो व्लॉगिंग, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा कि आप थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके आप या तो GoPro 8 परचेस करो या फिर 7 भी चल जाएगा, बट 8 बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपका बजट नहीं है, आपका DJI Osmo का ही बजट है, तो उसके लिए क्या करें, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने जुगाड़ निकाला है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बने रहो इस वीडियो में। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं जो इसकी वाइड एंगल वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग करोगे तो ऑब्वियसली YouTube के लिए ही करोगे, और YouTube का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है शूट के लिए या फिर अपलोडिंग के लिए वो होता है 16:9। तो अगर आप इस कैमरे में 16:9 रेशियो पे अगर आप इसको शूट करोगे कोई सी भी क्लिप, तो जब आप अपलोड करने बैठोगे, एडिट करने बैठोगे, आप देख पाओगे कि बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, या तो सिर्फ आपकी गाड़ी ही आ पाएगी या फिर आपकी रोड आ पाएगी। दोनों जो मोटो व्लॉगिंग का होता है सेटअप, वो दोनों नहीं आ पाएगा। तो वो कैसे सॉल्व करें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 16:9 रेशियो पे शूट नहीं करना है, आपको शूट करना है 4:3 एस्पेक्ट रेशियो पे, और आपको रखना है कम से कम फ्रेम रेट, मतलब आपको 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूट नहीं करना है, आपको शूट करना है 30 फ्रेम पर सेकंड पे। जिससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा फ्रेम रेट रखोगे उतनी ज़्यादा फाइल क्रॉप होती जाएगी और आपको वाइड कम मिलेगा। आपको 4:3 एस्पेक्ट रेशियो चूज़ करना है, 30 फ्रेम पर सेकंड चूज़ करना है, एंड रॉक स्टडी जो है इसका ऑफ कर देना है। उससे आपकी फुटेज थोड़ी स्टेबलाइज कम होगी, बट आपको मेरी गारंटी है व्यू पूरा का पूरा एकदम GoPro जैसा ही मिलेगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप 4:3 पे शूट करोगे तो वो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे तो अपलोड कर नहीं सकते, एंड आप ऑब्वियसली एडिट तो करोगे ही अपने व्लॉग को। तो अगर आप एडिट कर रहे हो और आप मेरी तरह नए नए यूट्यूबर हो, तो हमारा इतना तो बजट है नहीं भाई साहब कि हम बड़े सॉफ्टवेयर परचेस करें। मैं अपनी वीडियोस पर्सनली मोबाइल से एडिट करता हूँ, एंड मोबाइल में कोई भी ऐसा फ्री ऐप नहीं है जिससे कि आप फ्री में उसको स्ट्रेच कर पाओ 4:3 एस्पेक्ट रेशियो को। तो मैं पर्सनली 4:3 एस्पेक्ट रेशियो को स्ट्रेच करना पसंद नहीं करता, बट मुझे उसकी फाइल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लगती है एंड बहुत वियर्ड सी लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, 4:3 वाली क्लिप को YouTube एस्पेक्ट रेशियो पे सिलेक्ट कर देता हूँ 16:9 पे, एंड उसको जूम इन कर देता हूँ। थोड़ी ऊपर नीचे से क्रॉप होती है, बट बिल्कुल परफेक्ट फाइल आती है। एडिट में आप ये कर सकते हैं। तो अब इस कैमरे को मैं माउंट करूंगा अपने हेलमेट पे, और जो जो मैंने सेटिंग बताई है वो सब सेट करूंगा, और फिर आप लोग मुझे बताना कैसी पिक्चर आ रही है, कितना ज़्यादा वाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे तो अब परफेक्ट लग रहा है जो सेटिंग मैंने ढूंढी है। तो आप लोग मुझे बताना कैसा रहा, और अब आगे का व्लॉग अपन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, ये कोई टेक्निकल चैनल नहीं है,
व्लॉगिंग चैनल है। आप लोगों के जो डाउट्स थे, जो जो मुझसे पूछ रहे थे कि हमें परचेस करना चाहिए कि नहीं, हमें भी मोटो व्लॉगिंग के लिए परचेस करना है, तो वो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए। तो अब अपन व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं एंड टेस्टिंग भी हो जाएगी। लेट्स गो। और राइट गाइस, तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 4K 4:3 एक्सपेक्ट रेशो पे, और जो आवाज़ की आप सुन रहे हो वो इनबिल्ट है DJI Osmo Action की। कोई माइक मैंने एडिशनल नहीं लगा रखा है, तो आप लोग देखिए क्वालिटी कैसी आ रही है और ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और मैं 4K पे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। कैमरे में 4K 4:3 एक्सपेक्ट रेशो पे रॉक स्टेडी मोड नहीं है, और अगर आप किसी और मोड पे शूट करते हैं, रॉक स्टेडी लगाते हैं, तो आप लोगों को जो फ्रेम है वो कम मिलेगी। तो इसलिए मैंने रॉक स्टेडी ऑफ कर रखा है और 4:3 पे लगा रखा है ताकि मेरे को वाइड एंगल मिले। और जब मैं इसको यूट्यूब पे 16:3 पे एडिट करूँगा तो ये थोड़ी क्रॉप हो जाएगी। अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ फ्रेंड से मिलने, और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है। किसी कैफे में बुलाया है मुझे, बट मैंने देखा ही नहीं है वो कैफे, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जाके ढूंढूंगा पहले, तो फिर वहाँ पे जाके मिलते हैं। तब तक आप राइड एंजॉय करो। गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो अपना। टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।